है उस लोकेशन से जहाँ से अभी हम रिसेंटली आ रहे हैं, उसके वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे जाके नई लोकेशन पर आ गए हैं जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। और यहाँ पे टनल, ये जो मेरे मेन साइट देखनी है वो साइट हम जा रहे हैं, ये तो मेन रोड वाली टनल, जैसे हमें बताइए तीसरी टनल है। तो अभी हम आ चुके हैं ऋषिकेश से 37 किलोमीटर आगे, और अब तक जितने भी हमने साइट्स देखी थी सारी पुरानी साइट्स जिस पे हम पहले आ चुके हैं वो मैंने आपको दिखाई, उसको हाईलाइट के द्वारा आपको मैंने दर्शाया दिखाया। अब जो हम जिस साइट पे आए हैं, जो जो अब हम आपको दिखा रहे हैं वो नया है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और जो हमने इससे पहले दिखाया था उसमें जो इम्प्रूवमेंट आया, जो अपडेट था वो हमने दिखाया, और अभी जहाँ हम आ चुके हैं वो हमारे नया तो है ही, और जितना अभी अप टू डेट काम हुआ है वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जहाँ हम लोकेशन पे हैं, ये है ब्यासी से, ब्यासी गुफा एक है, ब्यास गुफा, वहाँ से करीबन 5 किलोमीटर आगे है, और मैं आपके सामने अगर मैं अपने दिखाऊं पीछे की तरफ, यहाँ पे है वो टनल, टनल ऊपर है, यहाँ पे है टनल, जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, वहाँ तक अगर जा पाए तो हम जरूर जाएंगे। ऊपर है टनल और नीचे सारा इसके लिए ही जो काम वगैरह जो प्लांट है वहीं डला हुआ है, रास्ता इसका यहीं से जाता है आगे से, ऐसे रास्ता ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर घूम घूम के ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर, देखते हैं अगर जा पाए तो हम जरूर से जाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमने लिया है छोटा सा ब्रेक अपने भाई जी के साथ, यहाँ पे चाय पे चर्चा। तो आपने क्या सोचा फिर क्या करेंगे इसके आगे का, सोचा कुछ? चाय पे चर्चा तो चल ही रही है, लोकेशन भी वैसे बहुत प्यारी है, तो चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं आगे का कैसे करना है। तो यहाँ से हम ये सारी रूट से जा रहे हैं ना, ये याला रूट बताया ना आप, कोडियाला जगह का नाम है, कोडियाला बता दो सबको, कोडियाला, कोडियाला, कोडियाला जगह का नाम है, ठीक है, थैंक यू भैया। चलो जी यहाँ से ऊपर थोड़ा ऑफ रोडिंग हो गई है, थोड़ी बात ही हो गई ऑफ रोडिंग। तो मेन रोड से ऐसे ऑफ रोडिंग करते हुए हम जा रहे हैं अपनी लास्ट साइड की तरफ, ओह वाओ मैन, क्या बात है, और आगे जाना चाहिए, चैनल अभी खुली नहीं है, मतलब आज हम जो नई लोकेशन पे आए हैं वहाँ की चैनल नहीं खुली, तो एक खुशखबरी है हमारे लिए, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खुली मिलेगी। यार अगर वो टनल यहाँ पे तो शायद बहुत हाइट पे मिलेगा ब्रिज, ओह वाओ वाओ मैन, नहीं यार, ओह वाओ यार, अरे नहीं 150 फीट, 150 फीट लिखा है, क्या लिखा है, वो टनल खुली भी नहीं अभी तक, तो अभी तो नहीं, ताजी ताजी बनी है, रुक दो बाइक लगा दे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऊपर जाने का रास्ता हम कहीं ना कहीं से देखते हैं, वो पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ उस साइड जाना था, लेकिन उस साइड से नहीं जा पाए, लेकिन हम घूम के आए 3 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करते हुए जैसे आपने देखा, और हम ऐसी जगह पे आए, अनएक्सपेक्टेड था वो, अभी टनल खुली भी नहीं है और वो लोकेशन ऐसी जहाँ हम कभी आए भी नहीं है, और अभी वो टनल का बिल्कुल जिसे बोलते हैं शुरुआती काम चल रहा है, तो वो है, और मतलब एकदम सरप्राइज हो गई, एकदम खुशी अलग ही नेक्स्ट लेवल हो गई। तो आप देखिए लोकेशन क्या है और फिर आपको बताते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो ऑफ रोडिंग करते हुए आए हैं तो ये है वो लोकेशन, ये और ये टनल का ऐसे काम है, और सामने आप देखें तो पानी मारा जा रहा है दीवार पे, जैसे आपको बोलते हैं ना सीमेंटेड के साथ साथ पानी मार रहे हैं, तो ये है वो काम ऐसे जो कर रहे हैं वो। थोड़ा सा और अगर जा पाए तो हम जाएंगे, कुछ करेंगे, और ये सामने जहां पे हम जाने की कोशिश करते हैं ऊपर, वो टनल अभी तक खुली नहीं है, इससे ज्यादा काम वहां पे हो चुका है जहां हम खड़े हैं, इससे ज्यादा काम इस तरफ का हुआ हुआ है। 37 किलोमीटर ऋषिकेश से हम यहाँ पहुंच चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और हाइट कितनी होगी लगभग, फीट कितना होगा, ये जमीन से कितना होगा लगभग,
300-400 फीट पे अभी यहाँ पे वो बनेगा, पुल बनेगा इसको ज्वाइंट के लिए ना, सामने आमने सामने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने पोल्स वगैरह सब रखे हुए हैं ये नीचे ना, ये सब उसी के लिए है सामान जो अभी यहाँ से ब्रिज बनेगा, इसको जोड़ेगा इससे। लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लोकेशन है यार ये, सामने इधर गंगा जी होगा, ब्रिज को पार कर रहे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी, जहां मैं आपको फोकस कर रहा हूँ बिल्कुल ये यहीं पे बनेगा वो ब्रिज, ऐसे में ये 150 फीट यहाँ तक ऊपर तक जाएगा और ये ब्रिज फिर ऐसे में लंबे में लंबाई में यहाँ पे आगे ज्वाइंट करेगा, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा ये बिल्कुल सामने जहाँ पे मैंने उंगली करी दी है, यहाँ पे एक बनेगा और वो पूरा ज्वाइंट करेगा उन दोनों को 300 फीट जो मैंने देख बताया आपको। और यही इतना ही यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम है, इतना 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 एरिया में हमारे लिए पहली बार हमने देखा न्यू लोकेशन हमारे लिए। और इधर का काम इतना खास हुआ नहीं है, इधर अभी होगा, बिल्कुल सामने है टनल जो हम पता लगा पा रहे हैं, अभी तक खुली नहीं है और अभी तक वहां से निकल के बाहर वो आई नहीं है। बहुत ही प्यारी लोकेशन, बहुत ही प्यारी, तो पूरा काम धाम सब जो भी है सब इधर ही हो रहा है। क्रेन्स वगैरह देखिए, आप देख सकते कितनी तक ऊपर तक जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, देखो इसे ऊपर तक लेके जाने हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट लोकेशन पे, जो मेन रोड पे जितने भी टनल्स पड़ेंगे उसको कवर करते हुए जाएंगे आगे ऋषिकेश की तरफ। यहाँ लोग आते रहते हैं फोटो शूट कराने या किसी सॉन्ग की शूटिंग के लिए। हम चलते हैं फटाफट से उस लोकेशन पे जो रोड की तरफ आएगा। ये है ब्यासी, अभी हम 5 किलोमीटर अपनी लोकेशन से आ रहे हैं, जो मैंने आपको टनल दिखाई थी उससे 5 किलोमीटर आगे ब्यासी, और यहाँ पे मेन प्लांट एक और है। तो रेलवे लाइन के साथ साथ यहाँ पे रोड का काम भी चल रहा है, ये ब्रिज कर्व में ऐसे, पुरानी रोड ये है लेकिन ये रोड बंद हो जाएगी कुछ टाइम बाद जब ये बन जाएगा, देखो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। और इसमें ट्रक के आगे लिखा हुआ है चार धाम योजना NH 58। तो अभी हम आ चुके हैं ब्यासी में अपनी लोकेशन से 5-7 किलोमीटर आगे, और यहाँ का जो प्लांट है कुछ इस प्रकार से है कि सी में बना हुआ है और टनल मेरे पीछे ही है, और आवाज सुन रहे होंगे किसी ट्रेन की, ये रोड को एकदम लेवल में कर रही है। तो इस प्रकार से है ये टनल, सामने आप देख सकते हैं ये है टनल, जो मेन टनल है जो आ रही है, और ये आधी खुल चुकी है आधी खुलनी है। ब्यासी की ये टनल है ऋषिकेश से करीबन 34-35 किलोमीटर आगे, और एक टनल ऊपर सपोर्टिंग टनल है ऊपर की तरफ, ये रही सपोर्टिंग टनल, मेन टनल यहाँ पे है, और ये टनल ऐसे आते हुए ऐसे में आएगी और कर्व में जाएगी उस तरफ, ऐसे में वहाँ एक उधर की तरफ जहाँ मेरी उंगली जा रही है ना उस तरफ, वहाँ पे एक टनल है वो आगे वहाँ पे टनल है, तो कर्व में टनल जाएगी और जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे जाके वो मिलेगी। तो ये सारा खेल कर्व का है, ऐसे आके घूम के जाएगी उस लोकेशन पे, वहाँ से वो जब हम अभी लोकेशन से आ रहे हैं वहाँ से मिलके वो जो आगे की तरफ जाएगी 37 किलोमीटर जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर करा है वहाँ तक। तो यहाँ से रोड अप जाएगी इस वाले ब्रिज की तरफ से ऐसे में, ये रोड बंद हो जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर रोड का अपडेट है, ये ब्रिज कुछ ही टाइम में तैयार हो जाएगा अच्छे से। इस प्रकार से है ये लोकेशन, कैसे बाहर से निकला
ट्रैफिक जाएगा, ये रोड हो जाएगी बंद पूरी तरह। तो पहुंच चुके हैं हम एक और लोकेशन पे, ये है ADID 3 ऋषिकेश के बाद की टनल। देखते हैं अंदर अंदर जितना जाने देंगे, मैं दिखाऊंगा, कोशिश पूरी है, अलाउड है नहीं ये नहीं पता हमें। जैसे गार्ड बना हुआ है यहाँ पे, ADID ब्लास्टिंग एरिया लिखा हुआ है सामने। वैसे टनल है, खुली नहीं है, एकदम यही है सामने टनल, खुली नहीं है वो टनल, आप देख सकते हो टनल खुली नहीं है, और वहां जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, और कोई और लोकेशन भी नहीं कि हम हाइट पे जाके उसको देख पाए। लेकिन आपको यहीं से बता रहा हूँ खुली नहीं है टनल अभी, और ADID 3 है ये, और यहाँ पे कारखाना है, यहाँ पे सब कुछ टनल से रिलेटेड जितना काम हो रहा है यही हो रहा है। ये एक और लोकेशन, ये है ADID 2, ADID 2 है इसका नाम। तो ये है ADID 2, सामने है टनल, ये सामने यहाँ पे है टनल। तो जहाँ गाड़ी जा रही है इसके सामने ही यहाँ पे है टनल वो। तो पहले आपको दिखाई दी सपोर्टिंग टनल 3, फिर 2, परे है शिवपुरी से आगे निकलते हुए पड़ता है बीच में नीर वाटरफॉल, तो वहां पे है ये सपोर्टिंग टनल 1, ADID 1। तो ये सारा आपको हमने दिखा दिया है, तो यही है लास्ट टनल, इसके बाद आ जाता है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाद की टनल, जो कि हमने आपको 2-3 बार दिखाई है। बस इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं अब आगे। चलो 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 चलो।